हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को जुम्मा मुबारक हम सब के तरफ से। तो बस अभी निकल रहा हूँ मैं नमाज के लिए, और बस फटाफट नमाज से फारिग होता हूँ, इंशाल्लाह घर आता हूँ, फिर कुरान शरीफ की तिलावत करनी है, उसके बाद मैं आपसे तफसील से मिलेंगे। सो गाइस बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद। सो गाइस, काफ़ी टाइम से घर में ही थे। क्या कर रही है, खेल क्यों खेल रही है? और बस अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं अम्मी के वहाँ पे, क्योंकि घर में बैठ के कुछ है ही नहीं करने के लिए, और मैडम कुछ तो करेगी नहीं, तो उससे बेटर है कि हम लोग एटलीस्ट अम्मी के वहाँ चले जाए, तो थोड़ा बहुत शूट हो जाएगा। देखते हैं, जाना था कहीं पर, बट शिरन का मूड हो चुका है चेंज। शिरन ने कह दिया है कि नहीं नहीं जाएंगे, और पता नहीं मेरे को तो क्या हो गया है, चेहरा मेरा इतना काला हो रहा है, इतना काला कि जिसकी कोई हद नहीं। चलिए अम्मी के वहाँ पहुँचते, फिर आपसे मिलते, बने रहिए। साइकिल देखो कितनी मस्त है, ए दिखा साइकिल दिखा, कहाँ से लाए? ये मालेगांव। मालेगांव की है? तुम लोग गाँव है? हाँ। मालेगांव की साइकिल कितनी अच्छी है। गाइस, मैंने आदमी को बोली कि ना मुझे ना तुम्हारे को कलिंगड़, एक बड़ा सा कलिंगड़ लेके, और ऐसा ना ब्रेस्ट भी बनाना है मुझे कोई फ्रूट से, और इनको ना पूरा लपटूंगी मैं, और मेरे को देखना है कि कैसा फील होता है, क्योंकि मैं बाइक पे चढ़ती उतरती भी ना। तेरा पर्स लेके चलता तो लोग मेरे को क्या क्या नहीं बोलते थे, वो कर लूंगा तो क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत से हस्बैंड्स ने किया अपनी वाइफ के लिए। नहीं, मुझे उस चीज़ ट्राई करनी है, और कैफ ना मान नहीं रहे, जो हमको प्यार करते ना वो लोग प्लीज कमेंट करके बोलो कि कैफ को वो चीज़ करने के लिए, मुझे देखना है, क्योंकि मैं बेड से भी उतरती ना तो बोलते सोवर छतर पूरी खराब कर देती है, उतरती कैसा है तू, तुझे वो, तो मेरे को देखना है कि इनको कैसा फील होता है। और गाइज आप लोग कमेंट करना कि मैं ये चीज़ ट्राई करूँ नहीं करूँ इनके साथ। मैं तो करूँगी। सो गाइज बेडरूम पूरा रेडी हो चुका है, कर्टेंस वगैरह भी लग चुके हैं यहाँ पे, और मैंने एंटर किया था, सेंसर लगाया है तो वो लाइट भी चालू हो गई, ये भी लग गया है ऊपर का पूरा, और बेडशीट्स सब हो गया है, फाइनल हो गया है यहाँ का बेडरूम। सुबह से अम्मी लगे पड़े थे बेडरूम सेट वेट किए उन्होंने पूरा, तो चलिए ठीक है, अभी मैं निकल रहा हूँ, देखते हैं शिरन भी आ रही है नहीं मेरे साथ, फिर इंशाल्लाह नीचे पहुँच के आपसे मिलता हूँ मैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। सो गाइस, शिरन तो नहीं आई साथ में, मैं अकेले आ गया, और काम ये था कि मुझे फॉर्च्यूनर लेके आना था, एक नंबर प्लेट चेंज करवानी थी फॉर्च्यूनर की, तो मैं आपको नंबर प्लेट दिखा देता हूँ एक बार, और सेकेंडली देखते हैं, अभी एक और छोटा काम है, गाड़ी का ही काम है, वो आगे जब मैं पहुंचूंगा तो वहाँ आपके वहाँ जाके आपसे मिलता हूँ, तो नंबर प्लेट दिखा देता हूँ। सो गाइस ये देखो, नंबर प्लेट चेंज हो चुकी है, बस फ़र्क इतना हो गया कि यहाँ पे पहले टोयोटा का लोगो था, पुरानी प्लेट में आपको दिखाता हूँ, आप लोगों ने तो देखी होगी काफ़ी बार, बस इस पर अभी गोल्डन स्ट्रिप आया हुआ है, और टोयोटा का लोगो निकल गया है, और नंबर उसी तरीके से सेम। चलिए ठीक है, अभी यहाँ से निकलता हूँ, दूसरी जगह जाके मैं आपसे। सो गाइस, जो दूसरे काम से मैं आया था गाड़ी के, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया, और तकरीबन काफ़ी छोटा काम था, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसीलिए तकरीबन एक डेढ़ घंटे के ऊपर टाइम लग गया, और शिरन का वीडियो कॉल आया था, उसको कोई तो कुछ मिला है शायद, उसने आप लोगों को बताया होगा एक डॉग मिला है उसको, और जहाँ तक मेरा डाउट जा रहा है वो पिटबुल है, ठीक है। सो घर पहुँचता हूँ, फिर देखते क्या सीन है, घर पहुंच के आपसे मिलता हूँ गाइस, बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम में। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं घर रिटर्न, और देखते हैं अभी शिरन दीदी के घर पे या अम्मी के घर पे, वो पता नहीं मेरे को, अभी पहले ऊपर जाता हूँ मैं, ये आगे रास्ते में से केक चाहिए था अम्मी को, तो केक ले लिया था मैंने, वो येवले वाले केक होते ना, वो अम्मी को बहुत पसंद है, तो वो ले लिया, समदानी भी खाता इसी बहाने से, तो ले लिया, अभी मैं जाके ऊपर देखता हूँ क्या सीन है क्या नहीं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, बने रहिए गाइस। सो गाइस, हमारे घर आया है नंगा स्पाइडरमैन, जो कि तैयार हो रहा है, और इसीलिए तैयार हो रहा है ये, क्योंकि मेरा कैमरा बहुत गंदा है, चलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि इसके फ्रेंड्स लोग के साथ ही खेल रहा था, तो उसके फ्रेंड्स लोग ने बोला स्पाइडरमैन आ थू, ऐसा बोले ना,
क्या बोले तो लोग ने, क्या बोले मामा उन लोग ने, वो लोग बोले स्पाइडरमैन आ थू बकवास है स्पाइडरमैन बोले, तो रोते रोते नीचे आया। अभी श्री उसको रेडी करिए, स्पाइडरमैन बना दिए। अभी इसको नीचे हम लोग भेजेंगे और ये ऐसे घूम के आएगा और साइकिल चला पैंट तो निकाल। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं बाजार थोड़ा भाजी और चिकन लेने, क्योंकि शिरिन बना रही है आज मेरे लिए चिकन का खीमा और खिचड़ी। मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था, शिरिन बोली ठीक है मैं बना देती हूँ, तो उसके लिए सामान वगैरह लेना है। कोई तो बहुत इंतजार कर रहा था, बेताब हो रहा था कि ये शिरिन ये बोली कि मेरी तबीयत खराब है, जो कि नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत खराब नहीं, बस पैर दुख रहा है मेरा बहुत ज्यादा, तो कोई मसाज वाला अच्छा तेल बता दो। सुकून मिला, क्या क्या लगा? सुकून लगा फोन में, फिर और कौन सा वो दूसरा एक और है जिससे मसाज करके लुकमान है, लुकमान ऐप लगाए, बाम लगाए, तो पता नहीं क्यों मेरे को लगता है मैंने जो चप्पल पहनी थी उसके वजह से हो रहा था। तो चलो चिकन भी हो गया है, ये भी ले लिया, अभी घर पहुंचते फिर आप सब लोग मिलते हैं, सो बने रहिए वीडियो। तो अभी मैडम वहाँ पे खड़े रह के कांदा ले रही है। ओए आता है क्या लेने? आता है लेने? अच्छा आता है ना लेने। सबके सब ने कैप पे जकड़ लिए, क्योंकि लोग चिकन लेके आए, सब लोग इधर से उधर उधर से चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, और वो सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। गाइस आदमी कांदा काट रहा है, इसके हाथ से आंसू देखो, मैं यहाँ पर देखो कांदा, मैं खड़े ना रहा हूँ बोल के वो इसमें काट के दे रहे हैं मेरे को। सो गाइस मैंने टोप ले लिया, मैं टोप में अभी बस पहले आलू काट के ले लिया हूँ, तो आलू मैं पहले फ्राई कर लूँगी हल्के से, और कुकर में बनाने वाली थी, फिर मैंने बोला कि खिचड़ी बना रही हूँ तो खिचड़ी बनाने के लिए मुझे कुकर लगेगा, कुकर मेरे पास एक ही है और ये कुकर काफ़ी छोटा है, तो इतना इनफ भी नहीं होता हम लोगों, क्योंकि ये ऐसा फ्लैट वे में मुझे थोड़ा ऐसा ऊँचा वाला लेना है, बट अब ऐसा क्या मैंने बोला चलो जब तक के लिए चला ही लेती हूँ शिफ्टिंग तक का, कोई बात नहीं। यहाँ पर बस आलू ले लिया, कौन सा मैं रोज़ खाना बनाती है कि नहीं, सो तेल गर्म हो जाए अच्छे से, मैं आलू पहले डाल दूंगी फिर आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइस आलू तो मैंने फ्राई कर लिया, उसमें डाली मैं थोड़ा सा गरम मसाला मैं ज़्यादा अच्छा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पाउडर तो मैं डालूंगी गरम मसाले का, मैं अच्छा ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने घी ले लिया है, ठीक है, ये कुकर में मैंने डाल दी घी, इधर साथ ही साथ मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है, क्योंकि फटाफट हो जाएगा तो खा भी लेंगे फटाफट। यस बेटर है, क्योंकि ये ना फिर जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा लेजीपन, हम लोग नहीं मैं कर रही हूँ, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लेजीपन कर रही हूँ, क्योंकि कैसा है ना कि नए घर का काम चालू, और ऐसा है कि कैफ भी वहाँ पहुँच नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं उठती बहुत लेट हूँ, तो नाश्ता वास्ता मेरा देखने की वजह से कांदा नाश्ता वास्ता मेरा देखने की वजह से कैफ भी क्या बोलो तो से आ गया लेट हो जाता। यस मैंने डाल दिया कांदा, इसको अच्छे से हम गोल्डन कर लेंगे। बस हाँ ये थोड़ा सा खिचड़ी के लिए साथ ही में कर दिया ना तुमने, तो जब ये गोल्डन हो जाएगा मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो गाइस मैंने खिचड़ी के लिए डाल दिया राइस, जीरा और कड़ी पत्ता, अभी इसमें कांदा और हरी मिर्च लिया मैंने दो, वो भी डाल दूंगी, और इसी में मैंने अभी डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कांदा और हरी मिर्ची डाल दी, और यहाँ मैंने डाल दिया टमाटर। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है गाइस, पहली बार मैंने ना एक ही साथ दोनों चीज़ें चढ़ाई हैं, मेरे को इतनी मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं खाना बनाने में, और इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और अभी इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी,
तो गाइस अब मैंने खिचड़ी में भी टमाटर डाल दिए और उसी के साथ साथ जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और इसको गाइस इसे थोड़ा तरी आने के लिए ढक के छोड़ देंगे। हल्का सा पानी डालूंगी इसमें, टमाटर तो ऐसे तो गल चुके हैं, फिर भी मैं हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा ढक दूंगी। सो गाइस मैंने कीमे के लिए अभी डाल दिया है इसी के अंदर गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्की सी हल्दी का पाउडर डाल दिया और यहाँ डाल दिया मैंने कीमा मसाला। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो गाइस अभी कुकर में शिरीन ने चावल और दाल डाल दिया है और मेरे को डर हो रहा है कि ना चावल ज्यादा हो गए, कुकर छोटा पड़ गया, क्या करूं? बचा लेने का था, रुक जाने का था ना। अरे तो क्या करती, वेस्ट कर देती क्या? और गाइस अभी मैं गया था नीचे बाइक देने के लिए, मैं शूट ही नहीं किया। आते आते मैंने चिक्की लेके आया खाने के लिए, तो एक ही लाया बाइक देने के लिए। किसको देके आया? हाँ, जैनब दीदी और भाईजान को देने गया था क्योंकि उन लोग को कहीं जाना था और समदानी आया था लटकते हुए मस्जिद के पास। स्पाइडरमैन गया था? नहीं, वही वाले कपड़े पहना था, नॉर्मल वाले। पहले ना मैं गाइस पानी नहीं डाली और जितना थोड़ा सा चावल में था तो वही डाली, तो पहले हम भून लूंगे अच्छे से इसको, ठीक है। कीमे के मसाले में तेरे ने आलू डाल दिए, तरी अच्छी से आ गई थी तो इसीलिए मैंने आलू भी छोड़ दिया, आलू और अब मैं चिकन भी साथ में छोड़ दूंगी। चिकन भी अच्छे से गल जाए आलू के साथ ही साथ, तो कैसा है ना चिकन पानी छोड़ेगा तो वही पानी में ये अपना और टेस्ट बढ़ेगा, आलू गल जाएगा। तो गाइस इसीलिए मैं पानी अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरी सास ने बोले कि जल्दी नमक डालते ना अपन चिकन में, तो चिकन गलता नहीं बराबर, ऐसा बोले है मेरे को। मतलब मैं जब खाना मेरे ससुराल में बना रही थी तब मैं ये सब चीज़ें सीखी हुई, तो वही चीज़ों को थोड़ा बहुत फॉलो कर लेती हूँ। क्या हूँ, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। कुछ किया मैं? हाँ, शेम की है ना चटनी चिक्की, तो उससे खांसी आ गई। चलो ठीक है गाइस, इसको भून लेंगे और ढक के अभी छोड़ दूंगी मैं। सो गाइस कीमा बनाया बन गया था और खाना वाना हो गया, और अभी कैसा ना काकू लोग लेट खाना खाते हैं तो काकू लोग के लिए भी मैंने एडिशनल रख ही दिया था। सो अभी भी माशाल्लाह से देख सकते हो इतना सारा खाना है और यहाँ पर अभी काकू लोग के लिए पूरा डब्बा भी बना के रखी हूँ, बस कैफ का खाना हो जाएगा तो कैफ दे के आ जाएंगे काकू लोग। सो गाइस मैं चली गई थी काकू के यहाँ पर कीमा देने के लिए, कैफ को मैंने बोला कि काम कर तुम बेटर हो, मैं जाकर आती काकू की थोड़ी तबीयत भी देख के आती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह काकू तो ठीक है और साथ ही साथ नसीन दीदी भी घर पे ही थे, तो नसीन दीदी हम लोग सब लोग बैठ बोले तू 100 साल जिएगी, अब भी जस्ट तेरा नाम ली मैंने ये वो करके, तो मैं हंसने लगी मैं अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद ऐसी बात करते करते फिर कीमा दी भाभी को, फिर बच्चे लोग नाचने लग गए चबल चबल पे, शेरू भी नाच रहा था, बाप रे बाप इतने होशियार है अभी के बच्चे क्या बोलने का। ये बार बार लिफ्ट ओपन बंद इसलिए हो रही क्योंकि लिफ्ट के अंदर दो भाई लोग थे, पता नहीं क्या सोच के उन लोग ने एक फ्लोर दबाने के चक्कर में इतने सारे बटन दबा दिया कि मैं कब से रुक रुक के आ रही हूँ। काकू के यहाँ बैठी थी काफ़ी देर तक बैठी थी, मेरा खाना भी थोड़ा पच गया ऐसी बात करते बैठी थी क्योंकि इतने दिन से मैं गई नहीं थी काकू के यहाँ पर, तो अभी मैं जाके अच्छे से टाइम पास थोड़ा करके काकू के इधर बैठ के हंसी मजाक करी और याद भी कोई बन करके गई थी क्या मैंने क्या किया। देखो घर वीरान रखा है ये आदमी ने, अंदर मस्त पड़ा है टीवी देखते हुए। बाप रे नवाबी देखो गाइस, नवाबी देखो टीवी, नींद नींद है सब है।
या आदमी की आंखों में पॉज करोगे? कितने मेरे तकिए, मेरा मैटरनिटी, बाप बाप रे बाप। खाना ऐसा नहीं कि खाली करके बर्तन खाली कर दूं। तेरे लिए रुका था, मैंने फ्रिज वगैरह सब खाली वाली भी करके रखा, तेरे को नहीं दिखा ना। नहीं, मुझे तो लेग पीस दिख रहा है यहाँ पर ऐसा लेटा हुआ। सो गाइस, पिछले व्लॉग का एंड हुआ नहीं था और शिरीन वहाँ पे कर रही है ओपनिंग और मैं यहाँ कर रहा हूँ व्लॉग का एंड। किसी ने ऐसा हो गया कि खाना ना खा के दोनों सो गए थे हम लोग, तो व्लॉग का एंड नहीं हुआ था। तो वी होप कि आप लोग रेसिपीज ट्राई करोगे, बात कर रहे जरा मूवमेंट करना। तो वी होप कि गाइस आप लोग रेसिपीज ट्राई करोगे और खाना तो बहुत अच्छा बना था, जो खाने के बाद मेरी हालत आप लोगों ने देख ली थी, मैं भी कुछ सो गई। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करके बताना कैसा बना था और उसमें अगर आएगा कुछ करना हो जैसे आप लोग की अपनी अपनी स्पेसिफिक। मैंने बस एक लास्ट की चीज नहीं बताई थी गाइस, मैंने ना वो लास्ट में ना कीमा के ऊपर कोथमीर और पुदीना काट के डाला था। हाँ, सो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ उसमें इंग्रेडिएंट डालते हो या जो भी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बस यही खत्म होता है ये वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैफ शिरीन ब्लॉग्स। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नेक्स्ट। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। अल्लाह हाफिज़।